ये 500 रुपये पकड़ और 340 का एक सिगरेट का डब्बा ले आ। बाकी के जितने पैसे बचेंगे खुद रख लियो। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? सब दिखाई दे रहा है मुझे। क्या कर रही है तू? साफ सफाई कर रही है। तेरा काम देख कर ही मैंने तुझे अपना काम दिया। और कौन सा फ्री में काम करवा रही हूँ तुझसे मैं? पैसे तो दे रही हूँ ना काम करने के। मैं सफाई वाली नहीं हूँ। मैं सफाई यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर गंदगी थी और देश के हर इंसान को सफाई करनी चाहिए। लेक्चर देना वैसे आजकल सबको आ गया है। क्या करती है तू? साफ सफाई वाली है ना? मैं सफाई वाली नहीं हूँ। आप जा सकती हो यहाँ से। गजब की बदतमीज है तू। काम करने के तुझे पैसे दे रही हूँ फिर भी तुझे काम नहीं करना है। देखो तुम गलत समझ रही हो। अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना एटीट्यूड? बेटा अब काम तो तुझसे ही करवाऊंगी मैं। अपने घर का काम भी और मेरी गाड़ी भी साफ तुझसे ही करवाऊंगी। अच्छा नहीं करूंगी तो क्या कर लोगी तुम? ये ले 500 रुपये और रख ले अपने पास। और मेरा काम करने के बाद ना और पैसे दे दूंगी तुझे। देखा तुम जैसे लोगों के औकात ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। कितने में बिक सकते हो तुम लोग? 500 रुपये देखे नहीं और सारा एटीट्यूड गायब। ये रखो अपने पैसे। और पैसों का घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ये किसी और को दो और अपना काम करवा लो। पैसों का घमंड मैं दिखा रही हूँ? तू मुझे दिखा रही है? मैंने तुझसे प्यार से काम करने को बोला फिर भी तूने काम नहीं किया। आप बता इसमें बदतमीज कौन है? बदतमीज तुम हो। इतनी देर से बोले जा रही हूँ कि मैं सफाई वाली नहीं हूँ फिर भी तुम अपने पैसे का घमंड दिखाए जा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? यही संस्कार दिए तुम्हारे परिवार ने? तेरी इतनी हिम्मत तो मेरे घर वालों के लिए बोलेगी? तूने मेरे पे हाथ उठाया? शुक्र करो अभी तो मैंने तुम्हें एक ही चांटा मारा है। जिस तरह से तुम बदतमीजी कर रही हो ना तुम्हें तो जेल में डलवा देना चाहिए। तू मुझे जेल डलवाएगी? बेटा तू भी जानती नहीं है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। एक मिनट में ना तेरा घमंड बाहर निकाल दूंगी मैं। अच्छा ट्राई कर लो एक बार। काम हो गया बेटा चले। एक मिनट मम्मी इस सफाई वाली ने मुझे। बेटा ये सफाई वाली नहीं है। नमस्ते बहन जी। मम्मी आप इस गवार को नमस्ते बोल रहे हो? इस गवार ने मुझ पे हाथ उठाया और ना ही मेरा कहा माना। बेटा कैसी बातें कर रही है? क्या बोले जा रही है? ये सफाई वाली नहीं है। जो भी हो मम्मी लेकिन इस गवार को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। दो कौड़े की। चुप। तुझे इतनी देर से समझाई जा रही हूँ कि चुप हो जा लेकिन तुझे तो किसी की सुननी नहीं है। मम्मी आपने इसकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया जबकि आपको मारना इसको चाहिए था। बस बहुत हो गया। कब से पता नहीं क्या क्या कहे जा रही है। तुझे बोला ना ये सफाई वाली नहीं है। जानती भी है ये कौन है? ये तेरी होने वाली सास है लेकिन तुझे तो किसी की सुननी नहीं है। बस अपनी चलानी है। बेटा ये इस शहर के बहुत इज्जतदार लोगों में से हैं। इनकी बहुत चलती है यहाँ और बहुत रिच भी हैं। आनंद जिसे तू पसंद करती है ना कि उसी की मम्मी है। देख तेरे पापा ना इनसे और आनंद के पापा से शादी की बात करने गए थे और इन्होंने तो तेरी फोटो देखे बिना हाँ भी कर दी रिश्ते को क्योंकि तू आनंद की पसंद है। कितना अच्छा परिवार मिला है। कितनी अच्छी सास है। चल चल माफी मांग। सॉरी मम्मी जी वो जाने अनजाने में मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा मम्मी जी? जी मम्मी जी अभी मेरे बेटे का ना रिश्ता हुआ नहीं है तुमसे। किसने कह दिया कि तुम मुझे मम्मी जी बोल सकती हो? वो क्या है सॉरी मैं बस वो बस बस बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब और कुछ नहीं सुनना और ना ही तुम लोगों से कोई रिश्ता रखना है। और जो रिश्ता डन किया था ना वो भी अब मैं कैंसिल करती हूँ। अरे समधन जी कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी कैंसिल करने की बात कर रही हैं? अरे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी ना कर दी। छोटी सी गलती है। गलत फहमी है एक्चुअली। क्या छोटी सी बात? अपनी बेटी से पूछिए इसने क्या किया है। इसने अपने पैसों का घमंड दिखाया बदतमीजी की और धमकी भी दी। कोई और होता ना इसको जेल में डलवा चुका होता। ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसने ये सब तो किया ही साथ में आपकी लड़की सिगरेट भी पीती है। और हमें हमारे लिए ऐसी बहू नहीं चाहिए जो दूसरों का सम्मान ना करे। अरे बहन जी आप तो बुरा मान गई। अरे आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना। अब ये लोग गलती नहीं करेंगे या ये सब नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? अरे वाह जैसी माँ वैसी बेटी। अब मैं समझी आपकी बेटी इतनी बदतमीज क्यों है। आपसे संस्कार मिले ना इसको। वैसे भी ना बच्चे घर से ही सीखते हैं। एक तो आपकी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की उसको समझाने की बजाय आप उसकी साइड ले रही हैं। नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। प्लीज आंटी जी बस बस अब जाइए यहाँ से और अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए
उसको सिखाइए कि दूसरों से कैसे बात की जाती है। सफाई कर्मचारी किसी के नौकर नहीं होते, वो देश को साफ रखते हैं, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए। और हाँ, मेरे बेटे से और मेरे परिवार से कोई कॉन्टेक्ट मत रखना, क्योंकि मेरे बेटे को भी बदतमीज़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये रिश्ता हमने तोड़ दिया है। अगर आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपको ये दिन देखने ना पड़ते। ये देश हमारा घर है, तो प्लीज़ इस घर को साफ रखिए, गंदा मत कीजिए। जिस तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हैं, आजू बाजू गंदगी नहीं होने देते, उसी तरीके से इस देश को भी साफ रखिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं भी कचरा डाल देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें और सफाई रखें, अपने देश को अपना घर समझें। और अगर कोई गंदगी फैलाता है, कचरा फैलाता है, तो उसको जाके बोलिए कि ये गलत है। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि कभी आपने सफाई मतलब की है और कैसे की है, कितनी, किसी ने कुछ कहा, ऐसी कोई स्टोरी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस स्टोरी पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं एक मॉरल, और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें और किस टाइप के करना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से भेजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।